दोस्तों ये वही कैफे है जहां दिशा पतानी टाइगर श्रॉफ का इंतजार करती थी। ये वही कैफे है जहां रणबीर कपूर अपने प्रेम की नैया को पार लगाने आए थे। जी हां दोस्तों, आज हम आके पहुंच गए हैं पुणे में मौजूद बॉलीवुड वालों की फेवरेट ईस्ट स्ट्रीट कैफे में। आज से ठीक 13 साल पहले रणबीर कपूर यहां पे आया था अपनी मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग करने। ठीक इसी जगह उसने अपना पिछवाड़ा रखा था। चलो एक फोटो तो बनता है। चलिए दोस्तों फिर अंदर चलते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या खासियत है इस कैफे में कि बॉलीवुड की फिल्में यहाँ अक्सर शूट होती रहती है। इस अंकल को तो आपने देखा ही होगा। जी हाँ, बागी 2 मूवी में ओ साथी सॉन्ग में दिशा पटानी के पीछे खड़े थे ये अंकल। अंकल से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इतने सारे बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस आके गए हैं बट इतनी खुशी उनको आज तक नहीं हुई जितनी उन्हें आज सिद्धि दास और उसकी बहन को देख के हो रही है। अबे ये कब बोला बे मैंने साले झूठे। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे पर अंदर घुसते ही आपको ऐसे फील होगा जैसे आप लंदन में पहुंच गए हो। अचानक हमारी बहन की नजर इस मेन्यू में मौजूद एक डिश के ऊपर पड़ी जिसका नाम था पिंटोस एक्स केजरीवाल। ये देखते ही बड़ी उत्सुकता के साथ हम मोदी जी को भी ढूंढने वहाँ लग गए। भाई तू क्या खाएगा रे बता। अरे अपने बजट में जो भी आ रहा है मंगा ले। ओके ठीक है चल। भैया 50 रुपए में कुछ मिलता है क्या इधर? हाँ मिलता है ना मैडम। नाइस। बैक साइड देखिए। ये तो पानी है। ये देख रहे हो गाइस? अरे नहीं भैया आपको नहीं। दोस्तों इसी टेबल पे दिशा पटानी बैठी थी और टाइगर श्रॉफ का इंतजार कर रही थी। दोस्तों शूटिंग के दौरान दिशा पटानी को ठंडा रखने के लिए इसी कूलर का इस्तेमाल हुआ था। भले ही मैंने और दिशा पटानी ने एक थाली में खाना ना खाया हो पर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने और दिशा पटानी ने एक ही कूलर से हवा जरूर खाया है। हैशटैग प्राउड मोमेंट। भाई तुझे पता है क्या, ये ड्रिंक इंडिया का नहीं है, ये डेनमार्क से आया है। क्या बात कर रही है रे? हाँ बहुत लकी है तू। Okay. मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये आधे घंटे में ये डेनमार्क से पुणे कैसे आ गया ऐसे ऐसे करके। अब 10 मिनट तो मैंने ये डिसाइड करने में निकाल दिया कि ये ड्रिंक्स को खाना है कि पीना है। फाइनली मैंने इसको स्ट्रॉ से चूसने का डिसाइड किया। क्या गजब बना था यार। अरे भाई हो गया, खत्म हो गया। अब क्या पूरा ग्लास टेबल सब कुछ मुंह में घुसेड़ देगा क्या? फिर हमारी नजर यहाँ के वॉशरूम्स में पड़ी जहाँ महिलाओं के सेक्शन में द क्वीन लिखा गया था जबकि पुरुषों के सेक्शन में सिक्योरिटी गार्ड लिखा गया था। अरे भाई वो रॉयल गार्ड है। अरे बट गार्ड तो गार्ड ही रहेगा ना। व्हाट इज दिस बिहेवियर मैन। कसम से अगर थोड़ी देर और हो जाती खाना आने में तो हमारी बहन प्लेट वगैरह खाने के फिराक में थी। भाई कितना टेस्टी लग रहा है ना ये प्लेट, कितना सुंदर लग रहा है ना। है क्या बात कर रही, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म होती है और मेरा खाना आ जाता है। अरे भूल से इधर मत देखा। अरे भाई मिल बांट के खाते हैं ना। चल बैक, कुछ शेयरिंग वेयरिंग नहीं करना मुझे। अबे भाग 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 यहां से। अबे मना किया ना तेरे को, मुझे ये अपनी तरफ खींचना पड़ेगा यार। ए ए नहीं 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 भाग। अबे खा नहीं रही, फोटो ले रही। दोस्तों ये हमने अपना फेवरेट रोटी और चिकन मंगाया था। जैसे ही मैंने पहला निवाला अंदर डाला मेरी तो सिट्टी विट्टी गुल हो गई। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहाँ का खाना इतना टेस्टी और गजब होता है। कौन सा मसाला यूज करते हैं यार ये लोग, मजा आ गया खा के। इस बीच में टेस्ट में इतना खो गया था कि मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरी बहन चुपके से मेरे प्लेट में हाथ साफ कर गई। ए चला जा इधर से, तू नहीं सुधरेगी रे। अरे पागल मैं चोरी नहीं कर रही, बस तुझे खाना खत्म करने में हेल्प कर रही हूँ। सुनना मैं गधों के जैसे दिखता जरूर हूँ पर गधा नहीं हूँ। ओके दिख रहा है मुझे तू किसे हेल्प कर रही है। अबे छोड़ छोड़ मेरा चिकन है यार छोड़। कुछ इस तरह हमारी बहन ने मेरे प्लेट में धीरे धीरे कब्जा करके पूरा प्लेट ही साफ कर गई। अरे अंकल आप सब देख रहे हो तब से, कुछ तो बोलो यार इस लड़की को। Okay. हाँ बोलता हूँ ना बेटा। ए लड़के छोड़ी बच्ची हो क्या? इस बीच हमारी बहन गुस्से में लाल हो गई थी। क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ? Nice. दिशा पटानी को भी इतना वेट कराया था क्या? यहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा है। हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड। अरे बहन तुझे पता नहीं क्या, चेहरा देख के खाना सर्व किया जाता है इधर। जिसका जितना सुंदर फेस उतनी स्पीड में उसको खाना डिलीवर होता है। अच्छा ऐसा क्या, तो तेरा फेस तो सुअर जैसा है तो तुझे इतनी जल्दी खाना कैसे मिल गया बे? फाइनली बहन का किया हुआ ऑर्डर आ जाता है। फिर हमारी बहन बिना समय गवाए अकेले अकेले खाना चालू कर दी। ये शायद भूल रही है कि कुछ देर पहले अपने भाई का निवाला छीना था। अब उसका कर्तव्य बनता है कि अपने भाई को भी अपने हिस्से से कुछ खिलाए, पर ऐसा होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा था। अरे बहन सुन, कुछ देर पहले तूने मेरे प्लेट से चिकन खाया था ना, याद है? और साथ में रोटी भी खा के डकार मारी थी जोर से। अबे कुछ सुनाई दे रहा है? लगता है गांधी जी बनने से काम नहीं होगा। अरे बहन देख तेरा कोई फैन तुझे ऑटोग्राफ मांग रहा है उधर। गाइस अभी नहीं प्लीज, मैं खाना खा रही हूँ। अबे कोई नहीं है। hey! चोर एक मुक्का मारू क्या? तूने जो मेरा खाया था उसका क्या?
लगता है फिर बहरी हो गई। चल बे, तेरे खाने का बिल भी मैं भर दूंगी, भिखारी नहीं मैं, समझा? तू क्यों भरेगी बे, मैं भी भिखारी नहीं हूँ, समझी? बिल मैं भरूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। फिर अचानक जैसे ही मैंने बिल देखा तो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए बहन को ही बोल दिया बिल भरने के लिए। अबे ये क्या, साले ने तो उल्टी ही कर दी। ये दुनिया बहुत बुरी है यार, रणबीर कपूर को इसके ऊपर बिठा लिया था इन लोगों ने। जब मैंने बोला मुझे भी बैठ के वीडियो बनाना है तो मुझे मना ही कर दिया। पक्का इन लोगों ने रणबीर कपूर से पैसे खाए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आता है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो आप लोग। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। साइनिंग आउट, सिटी डास। दोस्तों, इस बैनर एड में एसआरके जैसा दिखने वाला आदमी बोल रहा है, मैंने अपना घर बेच दिया है, तू भी बेच दे। मैं क्यों बेचूं बे? बट भाई, तेरा तो कोई घर नहीं है अपना। हाँ तो क्या हुआ, वो भी ले लेंगे जल्दी।